हेलो फ्रेंड्स, व्यंजनी व्यंजन में आपका स्वागत है। मैं आरती अग्रवाल आपके लिए लेके आई हूँ सेज़वान चीज़ पोटैटो। सेज़वान चीज़ पोटैटो सेज़वान चटनी से बनी हुई है, जिसमें हमने चीज़ भी मिलाया है और चीज़ और सेज़वान का कॉम्बिनेशन और इसका टेस्ट बहुत ही पसंद आता है। चलिए हम शुरू करते हैं। सेज़वान चीज़ पोटैटो बनाने के लिए हमें चाहिए, सबसे पहले हम लेंगे 1/2 kg बॉइल्ड पोटैटो, काली मिर्च, नमक, लाल मिर्च पाउडर, सेज़वान चटनी, कॉर्नफ्लोर, ब्रेड क्रम्स, ब्रेड जिसको मिक्सी में पीस लिया है, चीज क्यूब्स। सबसे पहले हम शुरू करते हैं। चीज़ क्यूब को हम ग्रेट कर लेंगे। अब हम इसमें सेज़वान चटनी को मिला लेंगे। सेज़वान चटनी सारी हम इसमें स्पून से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चीज़ और सेज़वान चटनी मिक्स हो जानी चाहिए अच्छे से। ये देखिए इस तरह से मिक्स हो गई है। अब हम कॉर्नफ्लोर बैटर बनाएंगे। कॉर्नफ्लोर बैटर बनाने के लिए पानी, कॉर्नफ्लोर, नमक और काली मिर्च हम एक साथ मिला लेंगे। इसे बहुत गाढ़ा भी नहीं बनाना है और बहुत पतला भी नहीं बनाना है। इस बैटर को ठीक ठीक हमारा इस बैटर तैयार होना चाहिए। इस तरह से बैटर रेडी कर लेंगे। अब इसे एक साइड में रख देंगे। अब हम आलू को एक एक करके इस तरह से मैश करेंगे। ये बॉइल्ड पोटैटो हैं, इनको हम अच्छे से मैश करेंगे। इसमें आलू के थोड़े भी छोटे छोटे टुकड़े नहीं होने चाहिए, एकदम बारीक हमको इसको मैश करना है। ये देखिए सारे आलू हमने इस तरह से मैश कर लिए हैं, एकदम बारीक मैश कर लिया है हमने। ये देखिए बिल्कुल भी आलू के छोटे पीसेज नहीं हैं। अब हम इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। कॉर्नफ्लोर आलू को बाइंड करता है और इसमें नमक डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। स्पाइसी बनाना ज़्यादा है तो आप मिर्च और ज़्यादा ऐड कर लीजिएगा। काली मिर्च डाला हमने। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक डो तैयार करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। स्पाइसेस आप अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं। अब हम एक टिन लेंगे या फिर आप कोई भी रेक्टेंगल शेप का बॉक्स ले लीजिएगा। नीचे हमने इसमें बटर पेपर लगाया है या फिर आप प्लास्टिक भी लगा सकते हैं और इस तरह से आलू को पूरे बॉक्स में हम सेट कर देंगे। ये 1 से 1.5 inch तक इतना मोटा होना चाहिए, बहुत पतला नहीं करना है। 1 से 1.5 inch मोटा हमको इसको इसमें सेट करना है। ये देखिए अच्छे से इसको टैप कर लीजिएगा कि बीच में कहीं भी आलू के वजह से होल ना हो या बबल्स ना रह जाएं। इसको इस तरह से दबा के अच्छे से 1.5 inch मोटा हमको इसको सेट कर लेना है। अब हम एक दूसरा रैप बिछाएंगे और उसके ऊपर बचे हुए आलू को इस तरह से फैलाएंगे। हल्का सा ऑयल लगा लेंगे, हमारे हाथ पे आलू चिपके ना, और इसको हाथ की मदद से या बेलन की मदद से रेक्टेंगल शेप में फैला लेंगे। 1/2 inch से थोड़ा कम ही होना चाहिए, ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस तरह से हमने इसको देखिए फैला लिया है। अब हमारे बॉक्स में जो आलू फैले हुए हैं इस तरह से स्पून या नाइफ़ की मदद से हम इसमें होल करेंगे। बीच के आलू थोड़े थोड़े करके निकाल देंगे। ये देखिए इस तरह से हमने पूरे बीच में से आलू हटा दिए हैं। इन बचे हुए आलुओं को आप फेंकिएगा नहीं, इसे भी हम यूज़ कर लेंगे जो हम आलू इस बीच में से निकाल रहे हैं। ये देखिए इस तरह से निकाला है। अब हम इसके बीच में तैयार किया हुआ हमारा चीज़ और सेज़वान सॉस का जो हमने तैयार किया है मिक्सचर, इसको फिल कर देंगे। इस तरह से हम दबा दबा के अच्छे से मिक्सचर को इसमें भर देंगे।
कि सारा मिक्सचर हमारा ये तैयार हो गया है भर के। इस तरह से देखिए सारा भर दिया हमने। ये देखिए हमारा ये सारा रेडी हो गया है। अब हम इसके ऊपर जो हमने एक दूसरा हाफ इंच मोटा बेला था इसको इसके ऊपर लगा देंगे और अच्छे से हाथ से दबा देंगे कि आपस में ये दोनों पर चिपक जाए। ये देखिए इस तरह से इसको टैप करके अच्छे से इस पर सेट कर देना है कि अलग ना हो। और साइड के जो हमारे आलू निकले हुए हैं इसको नाइफ की मदद से निकाल देंगे काट के। देखिए इस तरह से नाइफ की मदद से निकाल देना है। और इन आलुओं को आप फेंकेगा नहीं, जो कट करके हम निकाल रहे हैं इनको भी हम बनाना बताएंगे अभी। देखिए अब इसको अच्छे से टैप कर दिया और इसको अब हम फ्रिज में आधे से एक घंटे के लिए रख देंगे ताकि आलू सेट हो जाए। ये देखिए हमारे ये जो बचे हुए आलू हमने निकाले हैं बचे हुए हैं, इसको भी हम इस तरह से राउंड शेप में करके बीच में बचे हुए हमारे सेजवान और चीज़ का जो मिक्सचर है फिल कर देंगे और इसको हम चीज़ पोटैटो की तरह या फिर चीज़ बॉल की तरह इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। ये हमारा चीज़ बॉल तैयार हो जाएगा। ये देखिए हमारा एक घंटा हो गया है, हमने इसको निकाल लिया है बाहर बॉक्स से और बटर पेपर जो है सब अलग कर दिया है। अब इसको नाइफ की मदद से हम लॉन्ग शेप में काटेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है और हर पीस को हम पहले कॉर्नफ्लोर का जो हमने बैटर तैयार किया था उसमें डालेंगे और उसके बाद हम जो ब्रेड क्रम्स हैं उसको इसके ऊपर रैप कर देंगे। अच्छे से ब्रेड क्रम्स से कवर हो जाएगा और इसको एक प्लेट में हम सेट करते जाएंगे रखते जाएंगे। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, इसको एक प्लेट में हम इस तरह से निकालते जाएंगे। सारे हमारे इस तरह से पोटैटो चीज़ के जो हमारे ये तैयार हुए हैं इनको हम रैप कर करके एक प्लेट में अलग करते जाएंगे। ये देखिए ये रेडी हो गया है। इसी तरह से हमने सारे बॉल को रेडी कर लिया है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। ये देखिए तेल गर्म है, इसमें हम दो दो करके डाल रहे हैं और इसको ब्राउन होने के बाद इसको हम दूसरी साइड से भी फ्राई करेंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया हुआ है, ये हमारा गोल्डन कलर आया हुआ है कि बहुत ही टेस्टी लगता है। इस तरह से हम अपना सारा फ्राई कर लेंगे। ये देखिए अब मैं आपको दिखाती हूँ ये फ्राई होने के बाद कैसा दिख रहा है। ये देखिए इसके अंदर हमारी चीज़ एकदम भरी हुई है, सेजवान सॉस का टेस्ट आएगा। बहुत ही टेस्टी और स्पाइसी, बहुत ही यमी है हमारा ये। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, रेडी हो गया है हमारा ये सेजवान चीज़ पोटैटो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। व्यंजन ही व्यंजन से मैं आरती अग्रवाल, नमस्कार।